सभी को नमस्कार, आपका स्टडी एट होम चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि आजकल जैसे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और उसके लिए गूगल मीट ऐप का यूज़ कर रहे हैं, तो उस गूगल मीट ऐप पर किस तरीके से हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। अगर किसी ने सही से नहीं लगा रखी है, कोई गलत फ़ोटो लगा दी है, तो उसको चेंज कैसे करें, और ख़ासकर अपना नाम कैसे लगाएं, या अपने नाम में कोई चेंजेस करने हो, या एक ही घर में दो भाई बहन हैं, फ़ोन एक ही और दोनों का नाम ऐड करना है, तो हम किस तरीके से करें, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपके सामने फ़ोन खोल रखा है। इसमें सबसे पहले आपका गूगल मीट पहले से ही डाउनलोड होगा, तो हम गूगल मीट ऐप को खोलेंगे। ये मेरा आपके सामने जो है गूगल मीट ऐप ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। ये देखिए ओपन हो गया। इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे ऊपर आपको ये तीन लाइनें दिखाई दे रही हैं, इन तीन लाइनों को हम टच करेंगे। यहाँ पर जो है ऊपर जो जिस बच्चे की भी आईडी होगी उसका नाम लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा, जो भी नाम उसने सेट करना होगा, और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी भी लिखी हुई आ जाएगी। तो इस तरीके की ईमेल आईडी जो है आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। कई बच्चे जैसे गूगल फॉर्म पर टेस्ट होता है तो उसमें कभी कभी टीचर्स जो हैं ईमेल आईडी मांग लेते हैं, ईमेल आईडी आपको फिल करनी पड़ती है, और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हमारी ईमेल आईडी क्या है, या पेरेंट्स भी जो है बनाकर भूल जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसी नाम के साथ एक ये ईमेल आईडी लिखी हुई आ रही है, इसको आप अपने कॉपी से कॉपी पेन की सहायता से कॉपी पर अपने नोट करके रख लीजिए, ताकि जब भी कोई टेस्ट आए तो आप यही ईमेल आईडी आप फिल कर सकते हैं। इस ईमेल आईडी भरने का आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे टीचर्स आपके नंबर भेजते हैं या पेपर करेक्शन करके भेजते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही गया कौन सा गलत हुआ, तो वो आपके इस ईमेल आईडी पर मैसेज आ जाएगा, जो बाद में आप अपने जीमेल अकाउंट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात रही कि आपको मान लीजिए नाम जैसे दिव्या माथुर यहाँ लिखा हुआ है, इसके लिए कोई और नाम सेट करना है, या यहाँ पे कोई जो डी जहाँ लिखकर आ रहा है इसकी जगह पे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, या पहले से कोई लगी हुई है तो वो चेंज करनी है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टच करना है ये जो एरो है, इस पर मैंने टच करा तो यहाँ पर देखिए गूगल अकाउंट लिखकर आ गया। इस गूगल अकाउंट पर हम क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज जो है ओपन हो जाएगा। ये देखिए गूगल अकाउंट जो है आपका यहाँ पर ओपन हो रहा है, इसका थोड़ा सा हम वेट करते हैं। ये देखिए गूगल अकाउंट यहाँ पर जो है ऑन हो गया, इसको गेट स्टार्टेड कर देते हैं हम यहाँ पे। तो अब जैसे ही गेट स्टार्टेड करेंगे तो ये होम पेज आपका जो है खुलकर आ गया। अब इस होम पेज पर हमें क्या करना है, यहाँ पर भी देखिए आपका नाम लिखकर आ रहा है और ईमेल आईडी लिखकर आ रही है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही टच करते हैं तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखकर आ गई, यहाँ पे नाम लिखकर आ गया, और ये देखिए फ़ोटो भी बनकर आ रही है, अभी कैमरा बनकर आ रहा है, यहाँ से आप जब चाहें कोई भी फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। तो हम इस कैमरे पे टच करेंगे, जैसे ही कैमरे पे टच करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेट प्रोफाइल फ़ोटो, तो हम यहाँ सेट प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, टेक फ़ोटो यानी आप हैंड टू हैंड फ़ोटो भी ले सकते हैं, और चूज़ फ़ोटो से आप जो है चूज़ फ़ोटो भी कर सकते हैं। अभी किसी किसी घर में दो भाई बहन हैं तो वो क्या कर सकते हैं, पहले जो है ये सब कुछ करने से पहले एक फ़ोटो जो है दोनों भाई बहन साथ में खड़े होकर भी क्लिक करवा सकते हैं, और जिसको अकेले की फ़ोटो लगानी है तो पहले से क्लिक करके रख लीजिए, और जब आपके फ़ोटो में क्लिक होगी फ़ोटो तो आप चूज़ फ़ोटो पर जो है क्लिक करेंगे, और क्लिक करने पर इस तरीके से एल्बम फ़ोटोज़ या गैलरी या फाइल कुछ ना कुछ ऑप्शन आपके फ़ोन में जो आएगा, अलग अलग फ़ोन में अलग अलग फ़ीचर्स होते हैं, तो एल्बम पे या गैलरी में जो है आप क्लिक कर देंगे या फाइल में आप क्लिक कर देंगे, तो इस तरीके से सारे फ़ोन की जो है गैलरी खुलकर आ जाएगी। मान लीजिए मैंने यहाँ कैमरे में अभी कोई फ़ोटो क्लिक किया था, जैसे मान लीजिए मैं फूल की फ़ोटो लगाना चाहता हूँ और इसको मैंने क्लिक कर दिया, तो ये फ़ोटो आ गई आपकी, आपने अपनी लगा रखी होगी तो वो आ जाएगी, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर दीजिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये जो थोड़ी देर बाद जो है आपकी फ़ोटो जो है यहाँ पे सेट हो जाएगी, लेकिन गूगल जो है एक दो घंटे का टाइम भी लेता है, कुछ 10-15 मिनट का टाइम भी लेता है, तो ये एकदम से आपको यहाँ पर नहीं दिखाएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहाँ से चेक होगी कि फ़ोटो आपकी लग गई है या नहीं लग गई है। फिलहाल दूसरी चीज़ मैं अब आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको नाम चेंज करना है, तो देखिए नेम लिखकर आ रहा है, यहाँ पर एरो पर टच करें, तो देखिए यहाँ पर जब आपका नया पेज खुल गया तो इसमें आपका फ़र्स्ट नेम है। मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई नाम ऐड करना है, जैसे अंकित है, अंकित के साथ मैंने यही नाम ऐड कर दिया, दिव्या, या कोई और नाम कर दिया समझ लीजिए, अंकित के साथ मैंने लिख दिया यहाँ पे राजीव, ठीक है। इसके बाद इसको बैक करेंगे, अब यहाँ पे माथुर पे टच करेंगे, माथुर की जगह मान लीजिए मैंने लिख दिया भटनागर, ये अपनी कास्ट लगा दी, ठीक है। अब इसको बैक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, इसको सेव कर देंगे। अब ये देखिए सेव हो गया, यहाँ पे लिखा है योर चेंज माइट टेक अ वाइल टू शो एवरीवेयर, यानी इसमें जो है हमने चेंज कराया उसमें थोड़ा सा हर सब जगह दिखाने में थोड़ा सा ये कोई ना कोई टाइम लेगा। अब इसको जो हम यहाँ से बैक कर देंगे, और बैक करने के बाद
आप देखिए यहाँ पे अपने आप नाम आ गया अंकित राजीव भटनागर, दोनों बच्चों के मतलब दोनों जनों के नाम भी आ गए और कास्ट का नेम भी आ गया। इसी तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर चेंज करना चाहें तो जेंडर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पासवर्ड भी यहाँ से आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए आप भूल गए अपना पासवर्ड तो क्लिक करके नया पासवर्ड भी आप बना सकते हो। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे फ़ोटो भी आ गई, मैंने कहा था इसको थोड़ा टाइम लगेगा अपडेट होने में, तो जो हमने फूल की फ़ोटो लगाई थी वो भी यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी आईडी पर फ़ोटो और नाम चेंज कर सकते हैं। अब आइए हम एक बार चेक करेंगे अपने गूगल मीट अकाउंट पर कि क्या वास्तव में फ़ोटो हमारा आ गया है या नहीं आ गया है। तो इसको थोड़ा सा मैं बैक करता हूँ और दोबारा से हम ओपन करेंगे। मान लीजिए हमने फिर से यहाँ पर गूगल मीट ओपन किया, इसको क्लिक किया, इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करेंगे। अभी ये आपका जो है इस पर अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आप इसको थोड़ी देर बाद भी अगर ट्राई करेंगे इसको आप अपने गूगल अकाउंट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे अपने जीमेल आईडी खोली, यहाँ पे जो अकाउंट पर हमने ये वाला जो अकाउंट था हमारा इस पर था, इसको हमने ओपन कर लिया और इसमें देखिए यहाँ पे फ़ोटो लिख कर आ गई और यहाँ देखिए आपका नाम भी चेंज हो गया। ये आपको दिखा, ये देखिए फ़ोटो भी आ गई और यहाँ पे आपका जो है नाम भी चेंज हो गया जो मैंने किया था। तो अगर यहाँ पे आ जाता तो समझ ली वो आपका अपडेट हो गया, गूगल मीट पर भी आपको वो दिखाने लगेगा। तो इस तरीके से जो है आप अपनी जो है कोई भी आईडी में अपना नाम चेंज कर सकते हैं और जब चाहें प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।